हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम है आपका एक दूसरे व्लॉग में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मौजूदा हालात के बारे में, जो भी हालात पूरे विश्व में, हमारे देश में, हमारे धरती पर बने हुए हैं उसके बारे में। आपको पता है कल 22 मार्च को भारत बंद था, उसका क्या सिस्टम हुआ, कैसे लोगों ने उसका साथ दिया या नहीं दिया, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और कैसे लोगों ने तालियां बजा बजा कर अपनी बेवकूफ़ी का सबूत दिया, वो भी आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। और एक वीडियो मैंने आगे ऐड किया है, एक जो है बहुत ही अच्छी गज़ल समझ लो, या फिर शायरी समझ लो, या फिर कविता कह लो, जो कि एक टिकटॉक वीडियो है, वो ऐड किया। आप वो ज़रूर सुने, आज के मौजूदा हालात पर है, उसके बाद में आगे बात करेंगे। ये वो ये तो कहानी है, मौत आनी है तो आनी है। ये जंग नहीं के लड़ लो तुम, ये आफत आसमानी है। ये हाल अहवाल हमारे, हमारे अमाल की मेहरबानी है। खुदा हमारी क्यों कर सुने, क्या हमने खुदा की मानी है। अब उसकी रजा में राजी रहो, इसमें ही आसानी है। 100 तरह के देखे सबक, ये मुश्किल घड़ी भी गुजर जानी है। तो फ्रेंड, ये जो टिकटॉक वीडियो थी, आज के हालात पर बिल्कुल सूट करती है, क्योंकि ये जो फ्रेंड, जो भी हालात आज मुल्क के या पूरी दुनिया के बने हुए हैं, ये सब उनके जो आमाल की या हमारे आमाल की निशानी है। और ये जो आफत है फ्रेंड, ये आसमानी है, ये लोगों के द्वारा ना तो ठीक हो सकती है और ना ही लोग इसको बना सकते हैं। ये अल्लाह के द्वारा ही भेजा गया एक अजाब है और अल्लाह ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं ताली बजाने वालों की। तो फ्रेंड, हमारे देश के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बार बार ऐसे ही भाषण देते रहते हैं जैसे वो सुर्खियों बने रहते हैं। तो फ्रेंड, एक अभी जो उन्होंने कहा कि आप तालियां बजाएं, थाली बजाएं, तो फ्रेंड थाली बजाने से या ताली बजाने से कोई भी कोरोना वायरस भागेगा नहीं, या फिर इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये कोई टिड्डी का एक दल नहीं है, ये कोई टिड्डी नहीं है कि हमने थाली बजाई, पटाखे बजाए या फिर डीजे बजाए तो ये भाग जाएगी। ये कोरोना वायरस है, ये मास्क पहनने से, सावधानी बरतने से, और अगर आप मुसलमान हैं तो अल्लाह का नाम लेने से, 5 वक्त नमाज पढ़ने से और कुरान शरीफ पढ़ने से ही ये बीमारी जा सकती है। तो फ्रेंड, आप ऐसी अफवाहों में बिल्कुल ना पड़ें, और बहुत सी अफवाहें चल रही हैं। और साथ में एक वीडियो मैं आपको एक और दिखा दूँ कि हमारे गाँव में कल क्या माहौल था, वो भी वीडियो आप एक ये देखें और उसके बाद में आगे चर्चा करें। बताओ किस कदर शांति है इस देश में। 1945 में थी ऐसी शांति भाई साहब, एक गाड़ी नहीं होती थी, और आज भी एक गाड़ी नहीं है, ट्रैफिक है ही नहीं आज रोड पे। तो फ्रेंड, देखा आपने, ऐसी जो सन्नाटा जो है, या तो 1945 में जब गाड़ियां नहीं थी, फिर भी ऐसा सन्नाटा नहीं था जैसा कि कल 22 मार्च को देखा गया है। तो फ्रेंड, ये आपको एक भारत को सपोर्ट करने का ये तरीका है, बहुत ही अच्छा है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपने। तो फ्रेंड, ऐसे ही जो है, आप अगर सावधानी बरतेंगे, आप अगर जो है अल्लाह के जो है नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो इंशाल्लाह ये बीमारी आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड, ऐसे ही सावधानी बरतते रहें, अपनों का और अपने रिश्तेदारों का और अपने खुद का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैंने तो फ्रेंड कल सारा दिन घर में गुजारा, और फ्रेंड कुछ भी जो है बाहर निकला नहीं ज़्यादा। तो आपने कल क्या क्या किया, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।